Hello viewers, Radhe Radhe, this is Prashant Singh from Law Putra, came here to explain you the topic marshalling, that is section 81 of the Transfer of Property Act 1882. Before starting with the video, I would like you to subscribe to our channel Law Putra, follow us on Instagram, the link is given below in the description box, and do hit that bell icon so you never miss any video of ours. Guys, as you all must be aware, while mortgaging a property, the mortgager transfers certain rights to the mortgagee while he retains back some of the rights to himself. In a situation where the mortgager has various properties and he loans those properties to various mortgagees, then the concept of marshalling section 81 comes in and says that in a situation like this, in a circumstance like this, certain adjustments are to be made so that the rights of the mortgagees are not infringed by the mortgager. To understand this concept, we will understand with an example. एक ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर मॉर्गेजर ए है, जिसके पास तीन अलग-अलग प्रकार की प्रॉपर्टी है, एक्स, वाई और जेड, वो क्या करता है? वो तीन प्रॉपर्टी अपनी ये एक ही मॉर्गेजी को, बी को, मॉर्गेज के लिए दे देता है इन रिटर्न ऑफ मनी. ही टेक्स द मनी फ्रॉम द मॉर्गेजी. लेटर व्हाट ही डज इज ही मॉर्गेजेस द सेम प्रॉपर्टी एक्स टू सी एज वेल. अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर मॉर्गेज प्रॉपर्टी एक ही है और मॉर्गेजी दो हैं, तो इसमें क्या होगा? सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शलिंग कम्स इन एंड स्टेट्स कि जिससे किसी भी मॉर्गेजी की राइट इन्फ्रिंज ना हो, एडजस्टमेंट हो जाए. कैसे? ऐसे कि जो मॉर्गेजी है बी, जिसके पास तीन प्रॉपर्टी हैं, उसके पास सबसे पहले तो ये राइट है कि या तो वो तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो बेच दे. बट इस सिचुएशन में जहाँ पे मॉर्गेजी दो हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शलिंग ये कहता है कि बी जो मॉर्गेजी है वो पहले वाई और जेड प्रॉपर्टी बेचेगा और उससे अपना डेब्ट रिकवर करेगा. बट अगर उस स्टेज में भी अगर उसका डेट रिकवर नहीं होता उससे, तो वो तब जाके एक्स प्रॉपर्टी अपनी सेल ऑफ करेगा और उस एक्स से जितना वो रिकवर का उसका पैसा बचा होता है वो उससे रिकवर करेगा. रेस्ट ऑफ दैट मनी ही विल गिव टू सी, सो दैट हिज राइट्स आर ऑल्सो नॉट इन्फ्रिंज्ड इन दिस सिचुएशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शलिंग इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट अ लॉट मोर डिफिकल्ट व्हेन यू रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. So I'll read it out once and explain it once again. If the owner of two or more properties mortgages them to one person and then mortgages one or more of the properties to another person, यहाँ पे ये फिर देखिए, अगर आपने जैसे मैंने बताया कि एक ओनर जिसके पास दो या उससे अधिक मॉर्गेज प्रॉपर्टीज हैं, वो उन प्रॉपर्टीज को किसी एक आदमी को या फिर किन्हीं अन्य अनेक आदमियों को मॉर्गेज के लिए दे देता है, तो उस परिस्थिति में द सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी इज, जो पहला मॉर्गेजी है एस टू जो मैंने बताया था बी, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी एंटाइटल्ड टू हैव द प्रायर मॉर्गेज डेब्ट सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी. तो वो क्या करेगा? पहले वो अपना जो प्रायर मॉर्गेज डेब्ट है वो उसे सेटिस्फाई करेगा उस प्रॉपर्टी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी से, so far as the same will extend, but not so as to prejudice the rights of the prior mortgagee. अब यहाँ पे ये बात कर रहा है सी की, जो प्रायर मॉर्गेजी है, जो बाद में जिसे मॉर्गेज के लिए सी, जो बाद में मॉर्गेजी है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, और ऑफ एनी अदर पर्सन हु हैज़ फॉर कंसिडरेशन एक्वायर्ड एन इंटरेस्ट इन एनी ऑफ दो प्रॉप इन एनी ऑफ दो प्रॉपर्टीज. सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, वो ही कि जहाँ पर मॉर्गेजर एक है और मॉर्गेज प्रॉपर्टी भी एक है, पर मॉर्गेजीज कई ज़्यादा हैं, एक या एक से ज़्यादा, एज इन टू जो मैंने बताया बी और सी, तो उस स्टेज में मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट ये कहेगा जो पहला मॉर्गेजी है वो अपने पहले रिकवर करेगा डेब्ट्स बाय सेलिंग दोज प्रॉपर्टीज एंड ही विल नॉट सेल दो दैट प्रॉपर्टी दैट इज़ डिस्प्यूटेड बिकॉज सी भी उस प्रॉपर्टी में मॉर्गेजी है. तो पहले जो मॉर्गेजर है वो वाई और जेड प्रॉपर्टी बेचेगा बी, और फिर उसके बाद अगर उसका डेब्ट तब भी सेटिस्फाई नहीं होता तो वो एक्स बेचेगा और उससे जितना उसे रिकवर उसको करना है उससे रिकवर करेगा और बाकी जो पैसा बचेगा वो सी को दे देगा जिससे उसके राइट्स भी इन्फ्रिंज ना हो. गाइज, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में कोर्ट्स में इतना प्रचलन में नहीं है,
बिकॉज आजकल जो मॉर्गेजेस होते हैं दे आर वेरी क्लेवर. वो क्या करते हैं, जब वो मॉर्गेज के लिए कोई प्रॉपर्टी उनको मतलब वो लेते हैं, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेते हैं, जिससे कि मॉर्गेजर जो है वो आगे इस प्रॉपर्टी को किसी और को मॉर्गेज के लिए ना दे पाए. सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, एंड आई वुड लाइक टू गेट फीडबैक फ्रॉम यू. इफ देर आर एनी क्वेश्चंस, यू कैन पोस्ट देम डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू. राधे राधे. धन्यवाद.